हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैं ब्रश कर लिया, नहा ली हूँ और मैं रात सोई थी 12 बजे, क्योंकि लाइट चली गई थी और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। एंड मैं कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही, कभी कुछ कर रही, और बहुत तेज़ बारिश आई थी रात को। एंड किसी ने सही कहा, रोने के बाद बहुत तगड़ा ग्लो आता है। तो अभी मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें एक कमेंट आया है कि आपको कोई हक नहीं है। आपको कोई हक नहीं है किसी का मजाक बना रहे हैं डॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ। अगर मैं नहीं बताती कि मेरी रूममेट ने एक कमरा क्यों छोड़ा है और क्या रीजंस थे, तो आप लोग पूछते, तो पूछने से पहले ही मैंने बता दिया। सच्चाई बोलो तो दिक्कत, झूठ तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, ठीक है? ओके, सो मैंने जो भी बताया बिल्कुल सच बताया। एंड वन गर्ल सेड कि आपको किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज़ नॉट मेंटल, दिस इज़ अ वेरी बिग वर्ड फॉर हर। शी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड शी इज, मैं बस उसकी एज नहीं बताना चाहती, और ना मैंने कभी उसकी शक्ल दिखाई है, ना कभी मैंने उसको कुछ ऐसा दिखाया है कि आप लोग पहचान लो एंड ऑल। सो शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट वो एक कह रहे हैं कम्फर्ट जोन में आ गई थी। तो वो यहाँ पर कम्फर्ट जोन में आ गई थी, जैसे फ़ोन चलाना, साफ सफाई नहीं करना कि दीदी कर लेगी, समझ रहे हो? अब जिस रूम में गई हैं वहाँ झाड़ू भी मार रही हैं, वहाँ पोछा भी मार रही हैं, वहाँ नए नए कपड़े पहने। यहाँ सिर्फ दो ही कपड़े पहनती थी, एक पहनती थी एक धोती थी, एक पहनती थी एक धोती थी। वहाँ पे कल उसने एक दिन में 4 ड्रेसेस बदली हैं, उनके साथ फोटोज क्लिक कर रही है, सब कुछ कर रही है। और एक आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेंटल है वो एग्रीकल्चर 4 साल कैसे कर सकता है? और अगर कोई मेंटल है वो 2 साल नीट की प्रिपरेशन कैसे कर सकता है? मतलब आप किसी मेंटल डॉक्टर के पास चले जाओगे? नहीं ना। अब मैं एक्टिंग कर लूँ, हेलो गाइस कैसे हो आप सब, हाँ ऐसे 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 करके, भाई मैं जो हूँ मैं वही तो दिखाऊंगी ना। मैं एक्टिंग कितने दिन कर लूँगी? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन? भाई मैं ऐसी ही हूँ और सच बोलती हूँ, और चुभे तो 1000 बार चुभे। एंड लेट मी क्लियर, शी इज़ नॉट मेंटल, शी इज़ फेक, शी इज़ झूठी, और ये चीज़ हमारे लिए आगे जाके खतरा हो सकती थी, ठीक है? और मैंने उसको बहुत कुछ सिखाया है, और मुझे पता है उसके साथ रह रहे के मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। ये किस चीज़ मेरे को बतानी पड़ रही थी? और मैं एक्टिंग इसलिए करके दिखा रही थी कि देखो कि क्या हुआ हमारे साथ, कैसे कैसे झूठ बोले गए, ठीक है? और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ना उसके माँ बाप से। और देखे तो एटलीस्ट मैंने उसकी मम्मी को बता था कि आपकी डॉटर कुछ ऐसे ऐसे है। अगर कोई बंदा, हाँ एक झूठ हो रही था, जैसे शी इज़ नॉर्मल, लड़ाई हो रही है, रो धोना हो रहा है, और कह रही मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कहती, मम्मा मम्मा हमारा फ्रेशर आ रहा है और हमको एथनिक पहनना है, आप बताइए ना। अरे रे रे फोटो भेज दीजिए, ठीक है ओके। फिर मेरे को कहती, दीदी आप कुछ दिखाइए ना। मैंने कुछ दिखाया तो फिर उसके बाद मैंने बोला, चल तुझे शॉपिंग करा लाती हूँ। तो देन शी से मेरी ना नस पे नस चढ़ गई। मैंने बोला ओके तू रुक, तू 2 मिनट दे। मैंने कपड़े रखे हुए थे सरफ में, मैं वहाँ रखने गई। तो उसके बाद मैंने बोला कि चल फटाफट चल, बॉर्डर मैम आ गए हैं, चल उनसे बात करके। फिर देन उठी और बहुत अच्छे से चली, हैडम शॉप। मैंने बोला अब क्या हुआ, सब सही हो गया, अब नस की नस कहाँ गई? तो देन शी इज़ ब्लैंक। तो थोड़ी देर बाद उसने 1-2 सेकंड का गैप लिया, फटाफट उसने थोड़ा सोचा कि मैं क्या बहाना बनाऊं। तो उसने बोला, दीदी नस का नस ठीक हो गया है, हमने झंडू बाम लगा लिया। मैंने तो देखा नहीं कब झंडू बाम लगाया, चलो लगा भी लिया, इतनी जल्दी ठीक भी हो गया। भाई मेरी भी नस पे नस चढ़ती है, एक बार इधर चढ़ गई थी, एक बार टांग की चढ़ जाती है, कम से कम 15-20 मिनट लेती है आराम से। तो झूठे लोगों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब मैं ऐसे बिहेव करूँ बच्चों की तरह, या फिर ये सोचूँ कि मेरी जो सीनियर दीदी वो मेरी बेबी सीटिंग करे, भाई वो पढ़ेगी या मेरी बेबी सीटिंग करेगी? तो थोड़ा भैया थोड़ा सोच समझ के बोल लिया करो। अगर कोई मेंटल होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल कॉलेजेस वाले लेते नहीं, उनके लिए अलग चीज़ें बनाई हुई हैं। ओके, सो मेंटल इज़ अ वेरी बिग वर्ड।
सो प्लीज़। और एक लड़की कह रही है कि तू क्या बहन बनेगी, भाई मैं तो बहुत अच्छी बहन हूँ, ठीक है ना, छोटी होते हुए मैंने बहुत किया है, बहुत, ठीक है, अब उसके बदले में मुझे अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, आई डोंट फक केयर, ओके। सो मेरी मम्मी को पता है, मेरे मामा के लड़कों को पता है, सबको पता है, ऑडियंस को पता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। सो प्लीज़ अपना ज्ञान अपने पास रखो। क्या बहन बनेगी रे तू, और लाइफ का सबसे बड़ा एक कड़वा सच, एट द एंड ऑफ द लाइफ आप ही खुद के सब कुछ आप ही हो, कोई किसी का नहीं होता, ओके, चाहे इसमें सगे भाई बहन हो या फिर कोई भी हो। बस ये होता है कि हाँ भाई खून के रिश्ते हैं, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी फिर मैं लेट उठी थी, मतलब 8 बजे उठी थी, तो फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, गेट रेडी विद मी देख रही थी सेलिब्रिटीज़ के, तो फिर एक लड़की बोली कि दीदी थोड़े लंबे व्लॉग डाला करो, तो यार यहाँ पे एडिटिंग करके सेव करके अगर 20 मिनट का व्लॉग डाल दिया तो वो 2-3 दिन बाद डलेगा, तो 10-10 मिनट के इसलिए डाल रही हूँ 12-12 मिनट के, ताकि एक दिन में ही जल्दी डल जाए और आप लोग डेली देख लो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सियप्पा, ओके। सो अभी मैंने कुछ नहीं खाया, तो अभी मैं खाऊंगी सेब और पानी पीऊंगी और फिर आ जाऊंगी यहाँ पे लंच करने। बेसाब से आते हैं क्यों, तो चलो मिलते हैं सेब खाने के बाद। आ चुकी हूँ कॉलेज से और मैंने मैम से पूछ लिया, तो मैम कह रहे हैं कि हाँ आप अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हो। मेरी 1-2 दिन में एक्टिवा जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और हाँ आज मैंने सुबह कुछ नहीं खाया, मैं डाइटिंग पे हूँ क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी मोटी हो रही हूँ और मुझे मोटा नहीं होना, सॉरी, बिकॉज एक बार मोटा हो जाए इंसान फिर पतला होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं डाइट पे हूँ। तो अभी 1 बज गए हैं, तो चलो फटाफट चलते हैं खाना खाने। मैं सो गई थी, फिर मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी बोली मैं बैंक में से पैसे निकलवा के लेके आई हूँ क्योंकि पायल की फीस, भाई से उधार लिए थे ना पैसे उस टाइम एट अ टाइम, तो वो दे दिए, और आज हम कहीं नहीं गए। और मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी मोटी हो रही हूँ, चलो देखते क्या करेंगे। मेरी दूसरी रूम पार्टनर आ चुकी है, ये साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर है, नैनीताल से, बाकी देखते हैं। उसके बाद मैं इसको क्लासमेट की नोटबुक दिला के लेके आई, और भाई इतनी महंगाई है ना कुछ ही नहीं आता, 1 मिनट में 400 रुपये लग गए हमारे। कल रात कुछ नहीं हुआ, नई लड़की आई और उसको थोड़ी बहुत कॉफ़ी जूस वगैरह पिलाया, फिर उसके बाद हम आ गए थे, थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर वही पढ़ रहे थे जो भी हुआ है। अब इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब हमको भी परेशानी आ रही है क्योंकि घर वाले भी थोड़ा सा हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसे, इनसेक्योर, क्योंकि अभी देहरादून में भी बस मैं आई थिंक किसी के साथ कुछ हुआ था, बट वो शायद पकड़े गए, तो पता नहीं क्या ही है। तो भी एक लड़के ने वीडियो डाली थी कि लड़कियां इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी वीडियोस बनाती हैं और उसकी वजह से जो लड़के हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सेक्सुअलिटी के तरफ, तो बिल्कुल गलत है ये, हर चीज़ में लड़की को ही ले आते हो, ठीक है भाई, एवरी वन डूइंग देयर जॉब्स। और तो मैंने वहाँ कमेंट किया तो वहाँ पे मेरे ऊपर ही चढ़ गए कि ये होता है वो होता है लड़कियों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने बोला कि ऐसे तो फिर घर में माँ बहन भी सेफ नहीं है, अगर इतनी हवस जाग रही है लड़कियों को देख के, फिर वो तो माँ बहनों को भी उसी नज़र से देखेंगे जब दूसरी लड़कियों को उस नज़र से देख रहे हैं। तो भाई पहली बात तो वो डॉक्टर थी, दूसरी बात 3-4 साल की बच्ची, ना तो वो छोटे कपड़े पहनती, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लड़की में गलती नहीं होती, सोच गलत होती है कुछ लड़कों की, कुछ आदमियों की, कुछ मर्दों की, ठीक है। तो मुझे बस इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहना, जिसकी जैसी सोच, जिसको जो समझना समझो। तो ये जो लड़कियाँ वीडियोज़ बना रही हैं,
मैं उस चीज़ के बारे में कोई कमेंट्री नहीं करना चाहती, देयर लाइफ देयर चॉइस, बट आप ये बोलो कि उन लड़कियों की वीडियोज़ की वजह से लड़के इन्फ्लुएंस हो रहे, तो फिर ऐसे तो फिल्मों में भी बहुत कुछ होता है, नेटफ्लिक्स में भी बहुत कुछ होता है एक्सट्रीम लेवल। मिर्जापुर में कितना कुछ दिखाया गया है भाई सीरीज में। इन लड़कियों को तो तुम छोड़ दो, ये तो सिर्फ 15 सेकेंड मटकती हैं, कमर दिखा देती हैं, ठीक है, बट रियलिटी कहाँ से, रियलिटी चेक कहाँ से आ रहा है, मूवीज सीरीज। और मुझे ये समझ नहीं आता, ये सब चीज़ें सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस से दिखाई जाती हैं। वाई पीपल सो मच इन्फ्लुएंस्ड? इवन इन्फ्लुएंसर्स क्या ही सोच के बनाए हैं, मतलब कोई यहाँ पे अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हो उसको तुमने इन्फ्लुएंसर बना दिया है, सीरियसली? आई नेवर कॉल्ड माई सेल्फ एज अ इन्फ्लुएंसर, मैंने कभी अपने आप को इन्फ्लुएंसर माना नहीं भाई, कभी भी नहीं माना। मुझे जो दिखता है, मुझे जो रियलाइज होता है, मैं हमेशा वही बताती हूँ। मैंने कभी मेकअप प्रोडक्ट्स का वो नहीं किया है प्रमोशन, मेरे पास इतने आते हैं माम अर्थ का ब्यार है, मतलब नहीं भाई, मैंने यूज़ करके देखा पर्सनली, वर्थ इट ही नहीं था। मैं सिर्फ सॉन्ग प्रमोशंस करती हूँ, स्टार्टिंग इनिशियली मैंने बैटिंग की है, बट व्हेन आई रियलाइज दिस इज रॉन्ग तो मैंने वो भी बंद कर दिए। दे ऑफर्ड इन लैक्स, लाखों में बातचीत होती है बैटिंग की, मैं वो भी नहीं करती, जबकि आपको आजकल सबको पता है पैसा कितना ज़रूरी है और पैसे के बिना कुछ नहीं है। सो प्लीज़ गाइज, अपनी थिंकिंग चेंज करो एंड लेट मी क्लियर, मेरे 6 महीने मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे और वो आईडी मैंने सिर्फ फन वे में बनाई थी लड़कों को रोस्ट करने के लिए। मेरा कोई ना तो मैंने वहाँ से कोई करोड़ों रुपए कमाए हैं, सिर्फ एक बार एक प्रमोशन किया था 5000 और एक बार प्रमोशन किया था चश्मों का, बस इसके अलावा मैंने वहाँ से कुछ नहीं कमाया है। और वहाँ मैं सिर्फ लड़कों को रोस्ट करती हूँ उनकी थिंकिंग को, और मैं ऐसे ही हूँ, मैं कोई जानबूझ के स्क्रिप्ट नहीं लिखती। और जो मैं, जैसे किसी ने, मैंने आस्क में क्वेश्चन पूछा, किसी ने मुझे कुछ पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो एट अ टाइम जो मेरे दिल में मेरी जुबान पे आता है मैं वो बोल देती हूँ, वही पोस्ट कर देती हूँ। कुछ लोगों को फनी लगता है, कुछ लोगों को मैं बेवकूफ़ लगती हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं एक्टिंग कर रही हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये हंसाने के लिए कर रही है, बट मैं ऐसा, मेरा कुछ भी थिंकिंग नहीं है। जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। सो बेसिकली मेरा मेन मोटिव उस आईडी का यही है कि मैं ऐसे लड़कों को रोस्ट करूँ, बट सम पीपल आर सो चीप, सो चीप, मतलब मैं उनको रोस्ट भी नहीं कर सकती, इतने चीप। मैं अभी नॉर्मल कमेंट्स उठा रही हूँ, उसमें इतना दरिंदापन है लोगों में, मैं क्या ही बोलूँ, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, बस मुझे ये क्लियर करना था। एंड मेरी बहन कह रही तेरे ब्लॉग काफ़ी बोरिंग होते हैं और हंसी नहीं आते हैं डॉल, तू खाना भी सिर्फ 1 सेकेंड का दिखाती है, तो देर आर वेरी रिस्ट्रिक्शंस, फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ किसी को बिना डिस्टर्ब किए, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एक लड़की कह रही इंग्लिश नहीं आती तो मत बोलो, आई थिंक आपको हमारे सर कहते हैं टूटी फूटी, जैसी भी इंग्लिश आती है बोलो, एटलीस्ट बोलो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे, गलती करो और सीखो, ठीक है। सो इट्स मी, एक्सेप्ट मी और नॉट, इट्स अप टू यू गाइज, मैं ऐसी ही हूँ, मैं सच बोलती हूँ, आई नो कलयुग है, घोर कलयुग है, बट मैं ऐसी ही हूँ, मैं ना तो झूठ बोलूँगी, हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं टेक करिंग करती हूँ। एक लड़की कह रही है कि आप किसी का मजाक मत बनाओ, आई एम नॉट मेकिंग फन, मैंने किसी का मजाक नहीं बनाया, जो सच था वो बताया, उसने मुझे राखी बांधी, इट्स ओके, बट आई थिंक शी इज इन एक्टिंग, आई थिंक एक्टिंग करी थी वो। और आप लोगों को मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखाया है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जितना हम दिखाते हैं आप लोग उतना देखते हो, तो मेरे साथ 24 घंटे रही है, मैंने उसको बहुत परखा है, बहुत देखा है। सो ना आई एम हैप्पी, मेरी जो रूम पार्टनर आई है वो शी इज़ वेरी गुड, एंड वो भी साइकोलॉजिस्ट से कर रही है, तो मुझे भी हेल्प मिल जाएगी और उसे भी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगी, मुझे कुछ समझ आएगा, वो मुझे समझाएगी। सो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को हंसाऊँ जैसे मैं उस 09 वाली आईडी में हंसाती हूँ। सो जो लोग मुझे गलत समझते हैं, प्लीज़ समझते रहिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके बाय, लव यू ऑल।